Alhamdulillah. Wa salamu ala ibadihi alladhina istafa ma ba'da. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Sadaqallahu al-azim. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم محترم علماء كرام مفتيان عظام حاضر مجلس माओ बहनों और प्यारे बच्चों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी हम तमाम हजरत मुफ्ती साहब का बहुत मुतवील बयान इस्तकबाल रमजान के सिलसिले में समाअत कर रहे थे। अल्लाह हमें अमल की भी तौफीक अता फरमाए। और ये बयान, ये जलसा इस एतबार से बहुत अहम जलसा है कि रमजान आने से पहले ही इस्तकबाल रमजान के नाम से जलसे को किया जा रहा है, ताकि रमजान की घड़ियां हमसे कहीं जाए न हो जाए। मेरे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह मामून था कि रजब के महीने में, जबकि रमजान के आने में पूरे 2 महीने 60 रोज बाकी होते, आप अल्लाह से ये दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबियों व शाबान व बल्लिगना रमदान, के ए अल्लाह हमारे रजब और शाबान में बरकत। हमारे रजब और शाबान में बरकत अता फरमा और हमें रमजान की घड़ियां अता फरमा। कहीं ऐसा ना हो कि शाबान के महीने में, रजब के महीने में हमारी मौत आ जाए और एक किस्म की महरूमी नजर आए। तो ऐ अल्लाह, जब इतनी जिंदगी तूने हमें अता फरमाई है तो इतनी बरकत और दे दे कि हमें रमजान का महीना नसीब हो जाए, जिस रमजान के महीने में अल्लाह की खुसूसी रहमतें मुतवज्जे होती हैं, जिस रमजान को अल्लाह ने कुरान का महीना कहा है, जिस रमजान के बारे में मेरे नबी ने फरमाया कि शाबान मेरा महीना है, रमजान अल्लाह का महीना है, उस रमजान का हर दिन, हर पल, हर सुबह, हर शाम, उस रमजान की घड़ियां कितनी कीमती होंगी, इसकी तरफ मुतवज्जे करने के लिए आज का ये हमारा जलसा हो रहा है। आम हालात के अंदर भी अल्लाह अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान है। जब वो अपना इंट्रोडक्शन ही ऐसे कराता है, अर्रहमान व अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, जो अल्लाह ये पसंद करता है कि उसके बंदे जब उसके कलाम को पढ़ें तो बिस्मिल्लाह पढ़ें, जिस बिस्मिल्लाह में अल्लाह की रहमत का 2 मरतबा बयान है। उसने 114 सूरतें नाजिल फरमाई, उसके रसूल ने हर सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना मशरू फरमाया। 114 चैप्टर्स में 228 मरतबा वो अपने बंदों को याद दिला रहा है। हालांकि बिस्मिल्लाह 113 सूरतों में लिखी जाती है, एक सूरह तौबा में बिस्मिल्लाह नहीं, लेकिन कुरान के अंदर अलग से एक आयत नाजिल फरमाई, मीजान पूरा हो गया, 114 सूरते, 114 बिस्मिल्लाहें और एक बिस्मिल्लाह में 2 मरतबा अल्लाह की रहमत का बयान है। अल्लाह कितना रहीम है, अल्लाह तबारक व तआला जहां रहमान है वहां कहार भी है, जहां रहीम है वहां जब्बार भी है, जहां जजा देने वाला है वहां ज़ू बख्शिश शदीद भी है, पकड़ करने वाला भी है। लेकिन आप बिस्मिल्लाह का नक्शा देखें, बिस्मिल्लाह की शक्ल देखें कि इस बिस्मिल्लाह में अल्लाह अपने 2 नामों को जिक्र फरमा रहा है, एक ज़ाती नाम को, 2 सिफाती नाम को, और दोनों सिफतें रहमत वाली। मोमिनों को सीधा पैगाम दिया जा रहा है कि जब तुम अल्लाह का कलाम पढ़ो तो अल्लाह की रहमत में तुम्हारी निगाह होना चाहिए। उसने जो नबी भेजा खुद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, नबी जी हमने आपको सारे आलम
आपके लिए रहमत बना के भेजा है। आप अगर मखलूक जानदार है तो उसके लिए रहमत, मखलूक बेजान है तो उसके लिए रहमत, मखलूक इंसान है तो उसके लिए रहमत, मखलूक हैवान और जानवर है तो उसके लिए रहमत, अगर मोमिन है तो उसके लिए रहमत, अगर काफिर है तो उसके लिए रहमत। ऐसे नबी मोहतरम मबूस फरमाए जो सारी मखलूक के लिए रहमत बन के आए हैं। यहाँ तक कि आपकी तालीमात में ये है कि एक औरत ने बिल्ली पाली और बिल्ली को बांध दिया, उसे खाना पीना नहीं दिया और उसे छोड़ा भी नहीं कि वो चूहे खा के अपना पेट भर ले। वो बिल्ली म्याओ म्याओ करते करते भूख प्यास से तड़प के मर गई। मेरे आका ने फरमाया कयामत के दिन अल्लाह उस औरत का न रोजा देखेगा न नमाज देखेगा, बिल्ली के साथ बदसलूकी करने की वजह से उसे जहन्नम में डाल देगा। उनकी तालीमात में ये है कि एक औरत जो बेपर्दा है, बेहया है, खुद गुनाहगार है, दूसरों को गुनाहों में मुब्तला करने वाली है, जब अपने घर को जा रही है सारे कारनामे करके, सारी कारस्तानियां करके और रास्ते में कुएं की मुंडेर के पास उसे कुत्ता नजर आता है, कल हाँपता हुआ, कीचड़ चाटता हुआ, प्यास की शिद्दत की अलामतें जाहिर हो रही हैं, वो अपने दिल में ये कहती है कि इसे इतनी प्यास लगी है जैसे मुझे लगती है। वो कुएं में उतरती है, वो बेपर्दा औरत कुएं में उतरती है, अपने मोजे में पानी भर के लाती है, कुत्ते को पिलाती है, यानी कुत्ते की प्यास बुझाने के लिए बड़ा जतन करती है। मेरे आका ने फरमाया अल्लाह को उसकी ये अदा पसंद आ गई और अल्लाह ने उसे माफ फरमा दिया। आपकी तालीमात में ये है कि आप खड़े होकर ऊंट के गाल पे हाथ फेरते हैं और मालिक से ये कहते हैं कि इसे वक्त पे चारा दो और इसे कम बोझ ला दो और इससे कम काम लो। इंसान हो जिन्नात हो सबके लिए आप रहमत बनकर आए हैं। अगर हम नबी की तालीमात को उठाकर देखें तो हमें बिल्कुल आया हो जाएगा कि हाँ नबी रहमत आपको क्यों कहा जाता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे आलम के अंदर भी अपनी उम्मत को दुआएं दे रहे हैं कि दूसरे नबियों ने ऐसे वक्त में बददुआएं दे दी। ओहद के मैदान में आपके चेहरे पे जख्म लग रहे हैं, इब्ने कैमिया ने हर बार फेंक के मारा, दंदाने मुबारक शहीद हो गए, अब्दुल्लाह इब्ने शहाब ज़ुहरी ने पत्थर फेंक के मारा, आपका सर फट गया, आप पीछे हटे, बेहोश होकर गिर पड़े, अफवाह उड़ गई इन मुहम्मद कत्ल के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद कर दिए गए। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा पहाड़ में से उतर कर तलवारों और नेजों के साए में से होती हुई भीड़ को चीरती हुई अपने अब्बा के पास पहुंची तो देखा कि अल्लाह के नबी का सर हजरत अली की गोद में है और मुश्को अंबर से ज्यादा पाकीज़ा लहू बह रहा है, न कोई मरहम है कि लगा दे, न कोई पट्टी है कि बांध दे, चटाई का टुकड़ा जलाया, उसकी राख अपने अब्बा के जख्मों पे लगाई। थोड़ी देर के बाद अल्लाह के नबी को होश आ रहा है, पलके कांप रही हैं, होंठ फड़रा रहे हैं, मौका बददुआ का है, लोग चीख रहे हैं, अद्दुआ अलैहिम या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी बददुआ फरमा दीजिए। ऐसे आलम ने भी शान करीमी शान रहीमी गोया हुई तो ये कहा अल्लाहुम्मा हदि कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, ऐ अल्लाह मेरे कौम को हिदायत दे दे, वो नादान है, वो ना समझ है। ऐसा रब रहीम और ऐसे रहीम रसूल को भेजा, दीन रहमत लेके भेजा। अल्लाह हर हालत में अपने बंदों पर रहम करने वाला है। एक मर्तबा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में काफला आया, काफले के अंदर एक औरत को ज्यादा परेशान नजर आई, भागती दौड़ती रोती बिलखती। मेरे आका ने उस औरत को देखा, सहाबा ने भी देखा, इतने में उस औरत के सामने एक बच्चा आ गया, उसने प्यार से उस बच्चे को उठाया, अपने पल्लों से उसका चेहरा साफ किया। सबको माजरा समझ में आ गया कि परदेश में एक औरत का बच्चा खो गया। ऐसा मालूम हुआ कि सारी दुनिया की मुसीबतों के पहाड़ उसको टूट पड़े और फिर वो बच्चा मिल गया तो ऐसा लगा कि सारी दुनिया के खजाने उसको नसीब हो गए। मेरे नबी ने फरमाया सहाबा से, मेरे सहाबा ये तो बताओ इस औरत को इस बच्चे से कितनी मोहब्बत है। सहाबा ने अर्ज किया कि अल्लाह के नबी इसकी मिसाल तो दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती। फरमाया इस औरत को इस बच्चे से जितनी मोहब्बत है उससे हजारों गुना ज्यादा अल्लाह तब से मोहब्बत करता है। आम आलम में अल्लाह की मोहब्बत का ये आलम है तो वो रमजान जिसके पहले अशरे को रहमत कहा गया उस रहमत में उस आश्रय रहमत में अल्लाह की मोहब्बत की उठान का क्या हाल है।
इसलिए ये अशरा आ रहा है, मगफरत वाला अशरा आ रहा है। मैं बात को लंबा नहीं करना चाहता क्योंकि मैंने काजी साहब को देखा है, मस्जिद तकरीबन 2-2.5 घंटे से वहां पर तशरीफ फरमा, फिर बयान करके यहां पर भी आए हैं। जल्दी इस जलसे को भी खत्म करना है। मैं आखिरी बात कहता हूँ, उम्मीद अफजा बात कहता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि भोपाल वाले बाइकों में दौड़ते फिरते हैं या भोपाल वाले जुआ खेलते हैं। हमारे भोपाल की बड़ी अच्छाइयां हैं, हमारे भोपाल की बड़ी खूबियां हैं। आज मीडिया हो या प्रशासन का अमला हो, मुसलमानों को तो निशाना बनाया जाता है, लेकिन औरों के ऊपर पर्दापोशी की जाती है। आज हमारे नौजवानों में बड़ी खैर है, हमारे नौजवानों में बड़ी भलाई है, और उस भलाई की अलामत है कि आज इतना बड़ा मजमा आधी रात को यहाँ अल्लाह और उसके रसूल की बात सुनने को बैठा है। बहनें अंदर बैठी हैं, इतनी खैर किसी ने वर्षों से हमने नहीं देखी। अल्लाह का करम और उसका फजल है, ये इबादत वाला महीना आने वाला है, इसकी हम सब कदर करें। इसे हम इबादत का महीना बनाएं, इसे हम कुरान का महीना बनाएं। रमजान के माने हैं पुराना हो जाने के, रमजान के माने हैं मुजाहिदे के। हम इसे कम खाने का महीना बनाएं, हम इसे कम सोने का महीना बनाएं, और रमजान से हम पूरा फायदा उठाएं। अब ये महीना आ रहा है, दूसरा अशरा मगफरत का होगा। एक शख्स जो है गैरुल्लाह की इबादत में लगा है, रिवायत में है कि 80 साल तक वो गैरुल्लाह की पूजा करता रहा, या सनम के नारे लगाता रहा, फलां की जय कहता रहा। एक मर्तबा उसकी जबान से निकला या समद, समद अल्लाह का नाम है। आसमानों से आवाज आई, लब्बैक या अब्दी, ए मेरे बंदे मैं हाजिर हूँ। फरिश्ते अर्ज करते हैं कि अल्लाह, उसने गलती से तुझको पुकारा, 80 साल से तेरे देव की पूजा कर रहा था, आज गलती से तुझको पुकारा और आज तू उसकी पुकार का जवाब दे रहा है। अल्लाह ने फरमाया जवाब नहीं दे रहा, आज उसे ईमान भी दूंगा, आज जो मैं उसे अपना वली भी बनाऊंगा। गैरुल्लाह का पूजा करने वाला एक पक्का मुशरिक 80 साल तक गैरुल्लाह की पूजा करने के बाद गलती से अल्लाह को पुकारे, अल्लाह उसे ईमान दे, अल्लाह उसे वली बनाए, अल्लाह उसे नवाज दे। एक वो शख्स मुसलमान के घर में पैदा हुआ, नाम उसका मुसलमान वाला, उसके बाप का नाम मुसलमान वाला, उसकी माँ का नाम मुसलमान वाला। रमजान के महीने में वो वुजू करके मस्जिद में दाखिल हो जाए और अल्लाह के घर के कोने में बैठ कर अल्लाह से दुआ करे और दो आंसू बहाए, तो बताओ कि अल्लाह उसे माफ नहीं करेगा। हर दिन नई जिंदगी है, हर दिन एक नया मौका है, हर सवेरा एक नया जिंदगी का सवेरा है। हम सब ये नियत करें, इरादा करें कि इस रमजान की घड़ियों को जाय नहीं होने देंगे, अल्लाह से तौबा करेंगे, नए सिरे से एक आज़म के साथ अपने मुआशरे में, अपने घराने में, अपनी बिरादरी और अपने शहर में दीन की मेहनतों की फिक्र करेंगे। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। अब बगैर किसी तमहीद के बराह रास्त काजी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि आप जो है तफसीली बयान फरमाए और जी हम सब जो है सुनेंगे और जो है इंशाल्लाह अमल भी करेंगे। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए।